तो हमारे रजनीश भैया आईपीएस का एग्ज़ाम लिखकर कहाँ आए, और फिर बहुत खुशी की बात है कि उनका 25 नंबर माइनस में चल गया। तेरा क्या बोला तूने? तो उनका 25 नंबर चल गया माइनस में, तो बहुत खुशी की बात है कि एग्ज़ाम का कोशिश तो किए, आनंद उठाएं, घूमे फिरे। कहाँ पे गए थे? जमशेदपुर गए थे लिखने के लिए एग्जाम, घूम फिर के आए, पूरा पैसा वैसा। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे यार गजब। कहा रजनी भैया, तेने हाव बोल दीजिए। और हम रजनीश भैया के से जानना चाहते हैं कि रजनीश भैया जो यूपीएस का एग्ज़ाम लिखे थे, इनका कैसा गया? रजनीश भैया थोड़ा बता दीजिए। तो एग्ज़ाम तो बढ़िया नहीं गया, लेकिन घूमे फिरे खूब। घूमे फिरे और एग्ज़ाम में लिखने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए, मतलब एग्ज़ाम का एक प्रकार का आनंद उठाएं, पता तो चला कि कैसा एग्ज़ाम होता है, हाँ किस जरूर। प्रकार का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार था, तो मतलब एग्ज़ाम से कोई अच्छा, भागेगा तो फिर सब। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? खत्म। तो मतलब कुछ तैयारी हो या ना हो, लेकिन एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलता है, अपने अंदर का फीलिंग का पता चलता है कि वो कितना मतलब किस काबिल का है, कितना मतलब क्या कर सकता है। और जो एग्ज़ाम में बैठता ही नहीं, उसे क्या पता रहेगा। तो रजनीश भैया से आप लोगों को क्या सीख मिला? रजनीश भैया बता दीजिए, इसका क्या निवारण था जो कि आप लिख करके आए? तो रजनीश भैया दूल्हे, रजनीश भैया से एक ही बात सीखने मिला कि यूपीएससी की तैयारी करते लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता। पहली फुर्सत में निकाल। नहीं, वैसे भी जीएस वीएस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जीएस वीएस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। थोड़ा खुल के बताइए, अच्छा से थोड़ा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से आया था बस, थोड़ा सा। तो कितना आएगा, एक क्वेश्चन आता है। जीएस से बहुत सारे सवाल थे, मेन तो यूपीएससी होता है, जीएस स्पेशल। आप जानते हैं हर एग्ज़ाम छोटा मोटा लेवल का है, नहीं एग्ज़ाम है, थोड़ा बड़ा लेवल, हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें अच्छा से डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, और इससे रटना नहीं पड़ता है। अगर रटिएगा तो SSC GD से जैसा एग्ज़ाम। अच्छा, आपसे SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड, इसमें हम 10 में से 10 नंबर देंगे आपको। और फिर दूसरा सवाल कि अगर आप वहाँ पे गए थे तो एग्ज़ाम हॉल में बैठे, तो वहाँ पे आपको कैसा अनुभव हो रहा था कि मतलब किस काबिल के हम यहाँ पे बैठे, किस किस लेवल के पास बैठे? मुझे तो पता था कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने वैसे तैयारी नहीं किया था, तो घूमा फिरा बस, थोड़ा सा पैसा। अच्छा, आप किन से इंस्पायर होके यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब सोचे? नहीं, इंस्पायर तो किसी से नहीं हुआ, खुद मैं सोचा था। अच्छा, आपको यूपीएससी की तैयारी कहाँ से जानकारी मिला थी यूपीएससी के बारे में? नहीं, हमको पहले से पता था, IAS IPS ये सब जो होता है वो UPSC से मतलब बनता है। बचपन से ही जानते थे? नहीं, बचपन से नहीं, 7, 8, 9, 10th आदमी जैसे तो जैसे कोई तो बड़ा होते जाता है, वैसे तो उसको पता चलता है किसी के। कुछ वीडियो वीडियो भी देख लिए, तो वैसी के बाद बताते थे कि वीडियोस देखे, तो आप बोलते हैं कि अपने से जानते हैं। नहीं नहीं, अपने से थोड़ा मोड़ा जानते थे यूपीएससी के बारे में, जैसे गांव तरफ के एक तो भैया है, वो IAS का एग्जाम निकाले थे, इस चलते हमें आपसे क्वेश्चन क्या उठा था कि IAS बहुत अच्छा है। बाकी ऐसा नहीं कि IAS का एग्जाम लिखना है, हम आपसे बाकी सब एग्जाम लिखते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन किए थे कि यूपीएससी के बारे में आपको कहाँ से मिला जानकारी? वो उतना याद रहता है सब किसी को? आप तो बोले कि भैया से, हम तो बोले कि भैया को बाद में इंस्पायर हुए, बाकी तो पहले से हमको पता था कि यूपीएससी होता है IAS ऑफिसर। आखिर कोई आदमी पढ़ता है, जैसे जैसे पढ़ता है ABCD मालूम चलता है, क ख मालूम चलता है, उसी तरह आदमी की भी तो जैसे जैसे विकास होता है मालूम नहीं चलता, पता चलता उसको है। कुछ नहीं मालूम चलता। अगर कोई बच्चा को अगर पढ़ाइएगा तो उसको कुछ नहीं पता रहता, इतना तो नहीं पता रहता कि हिंदी कॉपी कौन है, इंग्लिश कॉपी कौन है। उसको सिखाया जाता है कि इंग्लिश कॉपी ये है, ये हिंदी कॉपी। आपको कैसे पता चला? आप तो होगा ना कुछ ना, कहीं पढ़े होंगे, गूगल में, विकिपीडिया में कहीं तो पढ़े होंगे। बस समझ लीजिए किसी से हमको पता चल गया। तो किससे भाई, क्वेश्चन है किससे जानना चाहिए? मेरा YouTube से और क्या बोले, YouTube से देखे और अच्छा, सर बहुत सारा पता चल जाता है, ऐसा थोड़ी है किससे। 7 के बाद 8 के पता कैसे चला कि 8 में जाना है? और फिर जैसे कि हम लोग को पढ़ते पढ़ते में टीचर के मुंह से भी सुनने को मिलता है। अच्छा, YouTube में कौन से टीचर भी बताते हैं, बहुत सारे टीचर की यूपीएससी के एग्जाम। अच्छा, YouTube में कौन सा चैनल फॉलो करते हैं ज्यादा? YouTube में रवि स्टडी IQ। रवि स्टडी, वो मतलब कि क्या पढ़ाते हैं? वो करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बस। करंट अफेयर्स से IPS बन सकते हैं? करंट अफेयर तो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं तो हम पूछ रहे थे, करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर से तो हम पढ़ सकते, फिर उससे IPS बन जाएंगे।
हाँ जरूर बन सकते हैं, उसके लिए आपको नया होगा कोचिंग। ठीक है दोस्तों, बुक लीजिए। इनका कहना है कि करंट अफेयर से आईपीएस बन सकता है कोई इंसान आराम से। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा भूमिका निभाता है एग्जाम क्रैक करने आप के लिए। सी सेट ये सब का कुछ का तैयारी मत कीजिए, सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए। आपका सिलेबस में ज्योग्राफी सब भी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, सब सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप वो पढ़िए। लेकिन सिलेक्शन उठाने के लिए सबसे मेन भूमिका जो है ना करंट अफेयर्स। आजकल करंट अफेयर्स का आप जानते हैं कितना बड़ा भूमिका। नहीं तो हमको तो पता चला कि करंट अफेयर तो मतलब कि पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या पढ़ना वो उसके साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट है, वही तो हमको जानना है। वही जानना। दूसरा सवाल एक ही उस टाइम से हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यूपीएससी सब्जेक्ट क्या क्या होता है, वही है। आप जवाब नहीं दे पाए, बस बोल देते हैं कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी होता है या क्या। अब ऐसा कोई बोलता है कमेंट करके जरूर बताएं। कहा जाएगा मेरा क्वेश्चन पहले, आप कौन सी क्लास में हैं फिलहाल? अभी फिलहाल आप कौन सी क्लास में बताइए। नहीं फिलहाल अभी आप कौन से क्लास में रहे बताएंगे। आपको हम बोले कि करंट अफेयर्स पूछता है तो करंट अफेयर से एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा देख भाई, सिलेक्शन लेने के लिए आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड से जो सब्जेक्ट है ना यूपीएससी ऐसा एग्जाम है, इसमें आपको मैथ इंग्लिश हिंदी जो आप जानते हैं सब पढ़िए। हाँ सब सब्जेक्ट आता है इसमें। आप तो बोले नहीं कि सब सब्जेक्ट, सिर्फ करंट अफेयर का ज्यादा चर्चा किए, तो हमको करंट अफेयर का इस चलते ज्यादा चर्चा किए क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा अच्छा है। कोई भी एग्जाम निकाल हम लोग मान लेते हैं कि करंट अफेयर से आईपीएस या यूपीएससी क्रैक हो सकता है, लेकिन आप बताइए आप कौन सी क्लास में फिलहाल है। अब देखिए यूपीएससी का एग्जाम लिखिएगा तो नहीं उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कौन से क्लास में। मत बोलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ज्योग्राफी ऑनर्स। हाँ तो आप इसके टोटल कितना नंबर का होता है ज्योग्राफी मतलब कि ग्रेजुएशन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।